नमस्कार, मैं हूं नंदनी शुक्ला और आप देख रहे हैं न्यूज टेट उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर न्यूज अपडेट। अगर आप अपने फोन के लिए गूगल प्ले स्टोर से एंटीवायरस ऐप डाउनलोड करने का प्लान कर रहे हैं तो थोड़ा संभल कर। ऐसा इसलिए क्योंकि नकली एंटीवायरस ऐप और क्लीनर ऐप भी अब आपके फोन से बैंकिंग डेटा चुरा सकते हैं। नकली एंटीवायरस ऐप और क्लीनर ऐप के रूप में खतरनाक शार्क बोट गूगल प्ले स्टोर पर अब वापस आ गया है। ये ऐप बैंकिंग डेटा लोगों के फोन से चुराता है और खाता खाली कर देता है। इन खतरनाक ऐप में मिनिस्टर फोन क्लीनर और कैल हैवी मोबाइल सिक्योरिटी भी शामिल है। और डराने वाली बात यह है कि इन ऐप्स को पहले से ही 60,000 से ज्यादा बार इंस्टॉल किया जा चुका है। जानकारों के मुताबिक इन ऐप्स को ड्रॉपर शार्क बोट के इंस्टॉलेशन को ऑटोमेटिकली परफॉर्म करने के लिए एक्सेसिबिलिटी परमिशन की जरूरत नहीं है। इसके बजाय वे पीड़ित को एंटीवायरस ऐप्स के लिए फेक अपडेट के रूप में मैलवेयर इंस्टॉल करने के लिए कहते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह नया वर्जन पीड़ित को एंटीवायरस के खतरों से सुरक्षित रहने के लिए नकली अपडेट के रूप में इंस्टॉल करने के लिए कहता है कि हमने गूगल प्ले स्टोर में दो शार्क बोट डॉपर ऐप को सक्रिय पाया है, जिनमें से हर एक 10,000 से 50,000 इंस्टॉल है। मैलवेयर कथित तौर पर लॉगिंग और की स्ट्रोक्स चुरा सकता है, एसएमएस मैसेजेसों को इंस्ट्रक्ट करता है और ऑटोमेटिक ट्रांसफर सिस्टम का इस्तेमाल करके धोखाधड़ी से फंड ट्रांसफर कर सकता है। फॉक्स आईटी की थ्रेड इंटेलिजेंस टीम ने 22 अगस्त 2022 को वर्जन 2.25 के साथ एक नए शार्क बोट सैंपल का पता लगाया। वही नए शार्क बोट वर्जन में एक नया फीचर भी है जो पीड़ितों से सेशन कुकीज चुराती है और उनके बैंक खाते में लॉगिन करती है। हालांकि गूगल ने इन ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया है, लेकिन जो कोई भी पहले ही डाउनलोड कर चुका है उसे तुरंत इन्हें डिलीट भी कर देना चाहिए। इसके अलावा किसी भी अनजान ट्रांजेक्शन के लिए अपने बैंक खाते की जांच भी आप कर सकते हैं। जिनको नहीं पता है कि शार्क बोट मैलवेयर का क्या मतलब होता है, तो चलिए आपको शार्क बोट का मतलब बताते हैं। शार्क बोट दरअसल एक बैंकिंग ट्रोजन है जिसे पहली बार 2018 में खोजा गया था। मलेशियस ऐप क्रिप्टो ऐप को टारगेट कर रहा था, जिसमें एक्सचेंज और ट्रेडिंग सर्विसेज पर ज्यादा ध्यान दिया गया था। ये ऐप पीड़ित की लॉगिंग जानकारी चुराने में सक्षम है, जिससे हैकर्स अपने खाते का इस्तेमाल कर दुर्भावनापूर्ण गतिविधियों के लिए कर सकते हैं। शार्क बोट तब से विकसित हो गया और एडवांस तकनीकों का उपयोग करके इसे पहले से ज्यादा खतरनाक बना दिया गया है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज टेट उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर तमाम विषयों पर वीडियोस हैं। और भी लेटेस्ट जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट newsnationtv.com पर विजिट कर सकते हैं। जाते जाते हमारे वीडियोस को लाइक करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि हर न्यूज अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे।